भाई देखने तो हम गए थे स्त्री टू को, लेकिन हम देखकर आ गए विक्की को। नहीं नहीं विक्की प्लीज को नहीं, वो विक्की जिसने हुस्न तेरा तौबा तौबा में पता नहीं कितनों के पैर फ्रैक्चर करा दिए। जी हाँ, स्त्री टू के साथ बोनस में हमें देखने को मिला छावा का टीजर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सार्थक और आप सभी देख रहे हैं सार टॉक शो, और आज हम बात करने वाले हैं विक्की कौशल की आने वाली फिल्म छावा के बारे में। देखो विक्की की शानदार एक्टिंग से हम सब प्रभावित हैं भाई, वर्सेटाइल एक्टिंग करता है बंदा, फिर चाहे वो उरी हो या फिर सैम बहादुर हो या कोई भी फिल्म हो, बंदा एक्टिंग तो बहुत गजब की करता है। अभी बीच में उसने तौबा तौबा में पता नहीं कितने को नसा दिया भाई, लेकिन अब जो उनका अवतार आने वाला है वो थोड़ा और अतरंगा है, थोड़ा और अलग है। जैसे कि वो एक्टिंग करते हैं नॉर्मली, उनसे थोड़ा अलग अवतार है, तो भाई किसी नए अवतार में उनको देखने को मिलेगा और ना बहुत इंटरेस्टिंग और थोड़ा कठिन कैरेक्टर उनका देखने को मिलेगा फिल्म छावा में। अच्छा, आपको पता है 15 अगस्त के दिन ऐसे बहुत सारे ट्रेलर आने वाले थे स्त्री टू के साथ, ऐसे नई नई चीज़ें इन लोग दिखाने वाले थे, लेकिन सब ने अपना पोस्टपोन कर दिया भाई। एक था जिसने अपनी हिम्मत नहीं हारी, वो था छावा। छावा का टीजर आया भाई स्त्री के साथ, और क्या ही आया है भाई, विक्की कौशल को दिखाने के बाद ना जनता बहुत ज़्यादा उसको, मतलब अगर थोड़ी देर और बैठती ना तो कहती कि हमें यही मूवी दिखा दो, इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर वहाँ पर दिखाया गया है विक्की कौशल का। भाई आप एक झलक देखने के बाद ना इम्प्रेस हो जाओगे उस बंदे से, मैं बता रहा हूँ भाई। बॉक्स ऑफिस के लिए ना ये बंदा वार्निंग के समान है, और ये फिल्म तो पूरी की पूरी वार्निंग है। एक तो आप भाई कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा दिखा रहे हैं, दूसरा रिलीजन वाला एंगल दिखा रहे हैं, तीसरा भाई हिस्ट्री के तरफ जा रहे हैं भाई, और ये तीनों एंगल ना जनता को बहुत ही ज़्यादा पसंद है भाई। अगर ये तीनों एंगल देने वाला है विक्की तो कितना ज़्यादा ऑडियंस ग्रैब करेगा आप खुद सोचो। और ऊपर से भाई ये जो कहानी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। एक तो भाई इस कहानी के बारे में बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन जानना चाहते हैं, संभाजी महाराज की कहानी है भाई ये। छात्रपति संभाजी महाराज की कहानी, आप सोच सकते हो वो तानाजी वाला फ्लेवर आने वाला है। तो उस बंदे की कहानी जिसका कैरेक्टर ही इतना बड़ा है, ब्रॉड है, इंटरेस्टिंग है, अगर उनकी कहानी आप जनता तक लाओगे, एक तो हिस्ट्री की कहानी ना जनता बहुत रिलेट करती है, बहुत पसंद करती है। ऊपर से ही विक्की कौशल बहुत ही ज़्यादा जम रहे हैं यार अपने रोल में। एक तो कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा है भाई, ऊपर से विक्की कौशल है, सब कुछ जबरदस्त लग रहा है। वहीं हमने देखा कि अक्षय खन्ना को ऐसा गजब का रोल दिया है, औरंगजेब का रोल, अक्षय खन्ना औरंगजेब के रोल में दिख रहे हैं भाई। और एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि ये फिल्म जो आ रही है ना, वो बहुत बड़ी फिल्म के साथ टक्कर देने वाली है। हाँ भाई, पुष्पा के साथ रिलीज करने वाले हैं ये फिल्म को, यानी कि 6 दिसंबर को भाई, 6 दिसंबर, इतनी हिम्मत करना। पुष्पा जिसकी हाइप हवा में है भाई, बहुत ही ज़्यादा हाइप है, और उस फिल्म के साथ इस फिल्म को वो लाना चाहते हैं, मतलब कि इस फिल्म में दम तो होगा भाई। बहुत ही ज़्यादा कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा है, और हो सकता है कि ये फिल्म टक्कर दे दे, क्योंकि भाई विक्की कौशल है भाई, वो बंदा कर रहा है यार, बहुत ही तगड़ा काम कर रहा है। तो फिलहाल मैंने इसका टीज़र देखा, टीज़र देख के मुझे ये समझ में आया कि ये फिल्म ना ऐसा ब्रॉड बड़ा कुछ नहीं दिखा रही है, एक कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा की तरफ जा रही है, जो कि बहुत ही गजब है। फिलहाल मैं इसका ट्रेलर देख चुका हूँ, मुझे बहुत प्यारा लगा। कुछ ही दिनों में ये ट्रेलर टीज़र जो था वो आपके यूट्यूब में भी आ जाएगा, तो आप भी बहुत जल्दी इसको देख लेंगे। फिलहाल जो स्त्री देखने जा रहा है वो ये ट्रेलर मिस ना करें भाई। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, जहां हम किसी नए टीजर के बारे में बात करेंगे, या फिर ये जो टीजर आ जाएगा तब हम इसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए